हर सुबह अखबार, टीवी या इंटरनेट के जरिए सिर्फ खबरें हम तक नहीं पहुंचती हैं, बल्कि उनके जरिए एक डर भी हमारे घरों तक पहुंच जाता है। डर कि इस बार किस मासूम बच्ची, लड़की या औरत को किसी हैवान की हवस का शिकार बनना पड़ेगा। लड़कियों के साथ रेप और रेप के बाद उनकी दर्दनाक हत्या एक महामारी की तरह हमारे समाज में फैलती जा रही है, और कोई नहीं जानता कि इस महामारी का अगला शिकार कौन सी मासूम लड़की बनेगी। क्या लड़कियों को बंदिशों में रखकर हम इस खूनी खेल को खत्म कर पाएंगे, या फिर इस महामारी का इलाज कुछ और ही है? बाय। नेहा। हो बाबा। तू क्या उसके साथ घूमती रहती है? मैंने मना किया है ना, इसकी जो ये दोस्त है ना, ये मुझे जरा भी पसंद नहीं है। कैसे छोटे छोटे कपड़े पहनती है, क्या संस्कार दिया है उसे घर वालों ने? आओ दाढ़ी तुम्हें पढ़। माँ है नहीं और बाप टूर करते रहता है। अरे उसे क्या पता उसकी बेटी क्या क्या गुल खिलाती है। बाबा वो अच्छी है। बहुत अच्छी है। तू उससे दूर रह। जब लड़की ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहनती है ना, तभी मर्दों का मन खराब होता है। बेटा जब दुनिया खराब हो ना, तब खुद को संभल कर रहना पड़ता है। बस उससे दूर रह, समझी? अरे छोड़ ना यार, तेरे बाबा तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। देख मयूरी, बाबा से झूठ बोलना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। देख माँ बाप का काम होता है बोलना, और बच्चों का काम क्या होता है? एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकालना। हम्म, तुझे बड़ा पता है, तेरे पापा तो ज्यादा साथ रहते हैं नहीं, इसलिए इतना चहक रही है। ये बात तूने एकदम सही की। मतलब मैं इतनी खुश हूँ ना, पापा महीनों महीनों टूर पे रहते हैं, मुश्किल से 15 दिन में एक बार फोन पे बात होती है। कोई टेंशन ही नहीं है लाइफ में यार। अच्छा सुन, अब तू भी टेंशन लेना छोड़ और एक काम कर, पोस्ट कर, मेरी तेरी फोटो खींचती हूँ। नहीं मुझे नहीं खिंचवानी कोई फोटो। अरे कर ना। नहीं 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 मयूरी, अरे इधर देख, ऐसे पाउट कर, पाउट। एक मिनट। हाँ अच्छा चल मैं आती हूँ। अरे अरे कहाँ चल दी मेरी बुलेट ट्रेन? अरे आ रही हूँ यार। अरे यार आऊँ यार, एक मिनट रुको। अरे नेहा कम। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अरे जब तुम मेरे सामने होती हो तो मैं अपने आप को कंट्रोल कैसे कर सकता हूँ? आप जानते हो ना मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। अब जब प्यार करती है तो फिर प्यार करने देना। हेलो इधर पैसे। लड़की का बैग में लेके घूम रही हूँ, रूम नंबर 306। कोई है? हेलो हेलो हेलो
ये देख क्या उल्लू बनाया तुमने साले का। अबे उल्लू तो ऐसे भगवान ने बना के भेजा है, मैंने तो सिर्फ इसके उल्लू होने का फायदा उठाया है। बीवी को बच्चे के साथ घर में छोड़ के आते हैं और बाहर बीवी बीवी करते घूमते हैं, इनके साथ तो यही करना चाहिए। मैं बाद में बात करती हूँ। अरे पर हुआ क्या? वो फोन नहीं उठा रहा है। अरे तू एक माता पिता अपने बच्चों को अच्छी परवरिश अच्छे संस्कार देने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार वो बच्चों को अनुशासन के नाम पर इतना बांध देते हैं कि बच्चों के पास उस बंधन को तोड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। बच्चे उस बंधन से मुक्त होकर खुली हवा में सांस लेने के लिए जोर लगाते हैं, और जब इंसान अपनों से दूर होता जाता है तभी वो मुसीबत के करीब आ जाता है। शिरके रिका में का है? क्या देख रहे हो? सर वो चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर का कनेक्शन इसरो से टूट गया। ओ कोई बात नहीं, अरे हिंदुस्तानी लोग है, टूटे हुए कनेक्शन जोड़ लेते हैं, अगली बार मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा। क्या रिका में? इंस्पेक्टर साहब हमें बड़े साहब से मिलना है। सर हमारी बेटी नेहा पता नहीं कहाँ चली गई है। वो सुबह ही निकल गई थी कॉलेज के लिए, अभी तक वापस नहीं आई। हो सकता है वो अपने किसी दोस्त के साथ हो। नहीं नहीं साहब, मैंने उसकी सारी सहेलियों को फोन किया है। आने दो उसे, उसकी खबर लेता हूँ। वो पूजा के साथ भी नहीं है, हो सकता है मयूरी के साथ हो, मैं उसे फोन करके देखती हूँ। मयूरी के साथ ही होगी, कितनी बार मना किया है उसे। नहीं आंटी, नेहा तो आज कॉलेज ही नहीं आई। सर उसका फोन भी बंद है। शिरके काम करो, इसकी लास्ट कॉल ट्रेस करो, और कॉलेज और घर के बीच जितने भी पुलिस स्टेशंस और हॉस्पिटल्स हैं वहां पता करो, हो सकता है कोई एक्सीडेंट हो गया। साहब मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए, रात हो गई है, उसे अंधेरे से बहुत डर लगता है। रूम नंबर 306। पैसे पैसे भी मिल जाएंगे, एक बार जरा चीज तो देख लूं। बॉस जो लड़की आपने मेल में फाइनल की थी ना, वो लड़की आपका कमरे में वेट कर रही है। अब ना तो मैं आपकी बहन हूँ और ना आपकी साली, जो आपका हाथ पकड़ के आपको लड़की के कमरे तक लेकर जाऊँ। तू मेरा हाथ पकड़ के नहीं लेके जाएगी, लेकिन मैं तेरा हाथ पकड़ के लेके जाऊंगा। क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो मेरा, छोड़ो मेरा। ये क्या तमाशा लगा रखा है? ए चुप, लड़की के साथ आप चला पता कहाँ है? अरे ऊपर आ, बहुत भारी पड़ेगा, गलत काम खुद कर। अरे चुप, पता कहाँ है लड़की, पता कहाँ है? उल्लू बनाती लोगों को है। देखो सर मैं कोई उल्लू उल्लू नहीं बना रही थी। अरे साहब बहुत चालू लड़की है, अभी पिछले हफ्ते इसने मेरे साले को चूना लगा दिया। कैसा सा कह रहे तू? तेरा खुद का साला घर में बीवी छोड़ के बाहर मुंह मारता फिर रहा है और तू उसके लिए फैंटम बन रहा है, शर्म नहीं आती तुझे? ए? ए! पुलिस स्टेशन में बकवास नहीं। देखो सर मैंने कुछ गलत नहीं किया है, और अगर किया है ना तो सिर्फ समाज सेवा। समाज सेवा नहीं, फ्रॉड किया है तुमने, तुमने पैसे लिए उससे। लेकिन सबूत कहाँ है? इसके पैसे तो इसकी जेब में पड़े हैं, और ले भी लिए होते ना तो मैं तो कोर्ट में मुकर जाती। कैश में बिजनेस नहीं करना चाहिए किसी के साथ। तुम सिखा रही हो मैं कानून? देखो मैडम अगर कानून सिखाना होता ना तो सबसे पहले ये कहती कि एक लड़की को आप इतनी रात को पुलिस स्टेशन में नहीं रख सकते।
सुन, साहब ने वार्निंग देके छोड़ा है तुझे, आइंदा कुछ गलत काम मत करना। मैं गलत नहीं कर रही थी, मैं समाज सेवा कर रही हूँ। सॉरी सॉरी। सुन, इनकी बच्ची को कुछ हुआ है क्या? तुझे क्या करना है? ऐसे क्या बोल रही है? माँ बाप है, माँ बाप सबके बराबर होते हैं। चल निकल। हाँ जा रही हूँ, निकल। सर, नेहा के फोन लोकेशन के हिसाब से उसका फोन उसके कॉलेज के एरिया में ही बंद हो गया। इसका मतलब वो कॉलेज गई थी और वहां से ही गायब हुई है। एक काम करो, कॉलेज एरिया के आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरा है उन सबकी फुटेज निकलवा। और उसके माँ बाप अभी भी यहीं बैठे हुए हैं क्या? जी, उनको बोलो कि प्लीज घर चले जाए। ओके सर। तक फोन ही नहीं उठा रहा भैया, आगे वाली बिल्डिंग में ले लो। पागल हो गया है क्या तू? नहीं नहीं, मैं ये नहीं करूंगी। अरे कुछ नहीं होगा, बोल रहा हूँ। हाँ, तुझे कुछ नहीं होगा, फंसूंगी तो मैं ना। और इसका बाप बैठा था पुलिस स्टेशन में। तू एक बार फोन तो कर। नहीं, मैं नहीं करूंगी। प्लीज मेरे लिए प्लीज। प्यार करती हूँ तुझसे, इसे सही गलत सब कर लेती हूँ, लेकिन धोखा मत दियो तो मुझे। क्या कर सकती हूँ, देख रही है ना तुम। प्यार किया है कभी किसी से? किया होता तो समझती। नेहा कहाँ हो तुम? तू ठीक तो है ना? हाँ नेहा, बिल्कुल ठीक है। और जब आप मेरी बात मानेंगे तो आगे भी ठीक ही रहेगी। कौन कौन बोल रहा है? अरे अंकल, मेरा इंट्रो लेके क्या करोगे? 30 लाख चाहिए मुझे, 30 लाख मेरे, बेटी आपकी। कौन है? कल दोपहर 2 बजे घोड़बंदर रोड पे। क्या हुआ? अरे बोलिए तो कुछ। हाँ नेहा बात कर रही थी ना, बोलो ना क्या हुआ। क्या हुआ? पुलिस थी, तेरे बाप ने बुलाई है ना पुलिस। कार्तिक इसे छोड़ना, इसे क्यों पकड़ रहा है? इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा इसको मैं। कार्तिक छोड़ना। Thank you.
ये तो नेहा है। एक काम करो, फॉरेंसिक को इन्फॉर्म करो और इसकी फैमिली को भी। ये मेरी बेटी नहीं है। आपकी बेटी नहीं है? ये मेरी बेटी तो ऐसे कपड़े नहीं पहनती थी। बॉडी के हाथ में एक टैटू है, आप पहचानते इस टैटू को? ऐसे कोई टैटू उसके हाथ पे नहीं था। ये हमारी बच्ची, आप मार क्यों नहीं रहे? ये नहीं हाँ है हमारी। गलत सोच रही है तू, वो हमारी बेटी हो ही नहीं सकती। मैंने तो उसे पैसे दे दिए थे सर, फिर वो हमारी बेटी को क्यों मारेगी? आपने पैसे दे दिए तो और क्या करता सर? आप लोगों को बताकर मैं देख चुका था, मैं अपनी बेटी की जान दोबारा खतरे में नहीं डाल सकता सर। आप लोगों के फेल होने बाद मुझे फिर से उस लड़की का फोन आया था, किसी दूसरे नंबर से कॉल आया था। हेलो, प्यार नहीं है आपको अपनी बेटी से शायद, वरना इतनी बड़ी गलती कभी नहीं करते। अब मैं आपकी तरफ से नेहा को गुड बाय बोल दूं या उसको फोन दूं, आप खुद ही बोल दो। नहीं नहीं, मेरी बेटी को कुछ मत करना। 30 लाख? उतने पैसे नहीं है मेरे पास, मेरे पास सिर्फ 12 लाख। आप भी ना बेटी की फिरौती दे रहे हो या मच्छी मार्केट में रावस खरीदने आए हो? भगवान के लिए मेरी बेटी को कुछ मत करना, मेरे पास बस इतने ही पैसे हैं। मैंने तो उसे पैसे दे दिए थे सर, फिर वो मेरी बेटी को क्यों मारेगी? पैसे मिल गए, मैं सबूत तो मिटाना ही था। आपको उन्हें पैसे नहीं देने चाहिए थे, कम से कम आप पुलिस को इन्फॉर्म तो करते। वो मेरी बेटी को मार डालते। तो अब क्या किया उन्होंने? मार ही तो डाला। वो मेरी बेटी नहीं है, वो मेरी बेटी नहीं है। सर, नेहा की पीएम रिपोर्ट आ गई। तो रिपोर्ट के हिसाब से नेहा की पीठ पर 2 वार किए गए थे चाकू जैसे किसी धारदार हथियार से। मरने के लगभग 24 घंटे पहले उसके साथ रेप भी किया गया। उनका टाइम क्या? मैम, दोपहर 3 बजे से 6 बजे के बीच। रिपोर्ट में एक और इम्पोर्टेंट बात है, नेहा प्रेग्नेंट थी, माँ बनने वाली थी। तो ये हो सकता है कि ये मर्डर उसी आदमी ने किया हो जिसका ये बच्चा है, और ये किडनैपिंग का पूरा नाटक पुलिस को गुमराह करने के लिए किया हो। आपको क्या लगता है? हो सकता है, नेहा के माँ बाप का कुछ और ही कहना है, कहना या उनके हिसाब से नेहा बहुत ही सीधी सादी और ट्रेडिशनल लड़की थी, लेकिन उसकी सोशल मीडिया साइट्स और ईमेल्स कुछ और ही कहते हैं, उन पर कुछ इस तरह के फोटोग्राफ्स हैं। और नेहा डेटिंग साइट पर भी थी, एक लड़के से उसकी खास बातचीत होती थी, कार्तिक, जिसका आईपी एड्रेस निकलवाया गया है। एक बात बताओ शिरके, नेहा के मर्डर के बाद उसके लास्ट कॉल डिटेल्स और फोन लोकेशन के बारे में कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं सर, लेकिन किडनैपर की लोकेशन मिल गई है जहाँ से उसने सुनील को फोन किया था। किडनैपर के लोकेशन के अकॉर्डिंग नेहा के फोन की लोकेशन और कार्तिक के फोन की लोकेशन दोनों सेम है। तो क्या कार्तिक ही किडनैपर है? क्या मुंबई वाकई महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर है? ये सवाल अचानक उठ खड़ा हुआ जब साल 2019 में मुंबई में महिलाओं के साथ अपराध के ऐसे ही घिनौने केसेस ने शहर को हिला दिया था। पुलिस पर केस सॉल्व करने का प्रेशर था, पर यह केस इस कदर उलझा हुआ था कि पुलिस भी हैरान थी। The number you are trying to call is currently not reachable. कार्तिक कहाँ रह गया यार? Excuse me. ये कार्तिक यहीं रहता है ना? हाँ यहीं रहता है। अभी कहाँ मिलेगा? अगर अभी वो यहाँ नहीं है तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में होगा, पास वाली सोसाइटी में रहती है, फ्लैट नंबर 504। निम्बी? हाँ जी। क्यों लेकर आए हो इतना तो बता दो। सर 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 सर, मैंने कुछ नहीं किया है सर, आप क्यों लेकर आए हो मुझे यहाँ पे? तुमने नेहा को किडनैप किया और उसके पिता को ब्लैकमेल कर रही थी। क्या 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 बोल रहे हो आप? ब्लैकमेलिंग, किडनैप, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। झूठ मत बोलो, कार्तिक बॉयफ्रेंड है ना तुम्हारा? कार्तिक ने नेहा से डेटिंग ऐप पर फ्रेंडशिप की थी, चैट करते थे वो। नेहा के मोबाइल पर लास्ट मैसेज कार्तिक के मोबाइल से, और उस दिन नेहा के मोबाइल से जो रैंसम कॉल्स आ रहे थे ना, वो तुम्हारे लोकेशन के थे। कार्तिक ने दोस्ती की, मैसेज किसने किया? कार्तिक ने। तो अब डिम्पी को क्यों उठाकर ले आए हो? मैं तो खुद कार्तिक को ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ चला गया। कार्तिक की लोकेशन ट्रेस हो गई है, जयपुर में है वो।
जयपुर? वहां तो उसकी मामी रहती है। कार्तिक जी, चल। पैसे कहाँ हैं? कौन से पैसे? रेखा में अंदर चेक करो। सर अंदर, सर अंदर कुछ भी नहीं है। सर अंदर आप अभी पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है। सर ये बैग मिला अंदर, उसमें काफी सारा पैसा है। क्या ये? सर ये मेरे नहीं है। सर तेरे नहीं है? ले चलो इसे। सर, ये मेरा नहीं है। सर 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 मैंने कुछ नहीं किया। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, कुछ नहीं किया। शिरके दिखाओ इसको। पिछले 5 महीने से तुम नेहा के साथ चैटिंग कर रहे थे, फिर तुमने उसको मिलने के लिए बुलाया। वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी, इसलिए तुमने उसका मर्डर कर दिया और हमें गुमराह करने के लिए किडनैपिंग का ये पूरा नाटक रचा। ये क्या कह रहे हैं सर आप? सर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उपजा मैडम ये ऐसे नहीं मानेगा। शिरके गया। सर बता दो। सर नेहा और मैं कई महीने से चैटिंग कर रहे थे, तो नेहा ने मुझे मिलने के लिए बुलाया। हाय नेहा, हाउ आर यू? तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे हाथ लगाने की? सर नेहा के अकाउंट से कोई और ही चैटिंग कर रहा था, ये बात मुझे बाद में पता चली। और डिम्पी को पता चल गया था कि मैं नेहा से मिलने भी गया था, इसी बात पर ये मुझसे लड़ी भी थी। ये क्या कर रहा था तू? मेरे होते हुए तो किसी और की तरफ आंख उठाकर देख भी कैसे सकता है? हाँ फिर डिम्पी ने ही मुझे आइडिया भी दिया था। पैसे चाहिए तेरी आइटम को किडनैप करते। क्या क्या बकवास कर रहा है? सर मुझे कुछ नहीं पता, ये झूठ बोल रहा है। नाटक नहीं, मुंह बंद कर अपना। सर मैं नेहा को सॉरी बोलने के बहाने उसके कॉलेज के बाहर भी गया था। सर नेहा आई एम सॉरी, वो शायद तुम्हारे अकाउंट से कोई और चैट कर रहा था तो मुझे पता नहीं लगा। इट्स ओके, कोई बात नहीं। ऐसे नहीं, तुम्हें पहले ही आइसक्रीम खानी पड़ेगी, तभी मुझे पता लगेगा कि तुमने मुझे माफ कर दिया। अरे इसकी क्या जरूरत? अरे नहीं, तुम्हें खानी ही पड़ेगी, ये लो। क्या अभी? नेहा, नेहा क्या हुआ तुम्हें? नेहा संभालो अपने आप को, ठीक हो तुम? इधर आओ, चलो चलो इधर, ध्यान से संभालो अपने आप को। झूठ बोल रहा है ये सर। उस दिन आप लोगों ने मुझे अरेस्ट किया था, मैंने कुछ गलत नहीं किया, और अगर किया है ना तो सिर्फ समाज सेवा। और जब मैं वापस गई हूँ ना तो ये नेहा के साथ रेप करने की कोशिश कर रहा था, और सर इसी के कहने पे मैंने नेहा के बाबा को फोन किया था, लेकिन फिर दूसरे दिन इसने नेहा के साथ रेप किया। सर मैंने तो वीडियो भी बनाई, आप चाहिए तो आप देख लो। सर ये झूठ बोल रही है सर। सर इसके कहने पे मैंने उसका रेप किया था। सर मैडम के पिताजी सिर्फ 12 लाख दे सकते हैं, नुकसान तो पूरा करना पड़ेगा ना। तुझे बंदी चाहिए थी ना, जायश कर। कैसी बात कर रहा है ये? सर मैं एक लड़की होकर किसी दूसरी लड़की का रेप करवाऊंगी क्या? ऊपर से ये बॉयफ्रेंड है मेरा, मेरा दिल जलता था, इसलिए जब ये पैसे लेने के लिए गया तब मैंने नेहा को भगा दिया। तू भाग यहाँ से, वो मार डालेगा तुझे, तू भाग यहाँ से। जा और सुन, तेरा फोन। जा। कितना भड़का था ये मेरे ऊपर सर। तूने उसे भगा दिया? अरे तू पागल हो गई है क्या यार? मैंने उसके साथ रेप किया था, मैं मारा जाऊंगा। और फिर सर पैसे मिलते ही इसने नेहा को मार दिया। सर मैंने सच में कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रही है सर। सर मैंने तो इसे कहा था तू मेरे पैसे भी ले ले और उस लड़की को खत्म कर दे, और मुझे जैसे ही पैसे मिले मैं अपने मामी के घर चला गया। वो खून इसी ने किया सर, इसी ने खून किया था। झूठ बोल रहा है, मेरा इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। सर इसने वादा किया था कि ये मुझे पैसे देगा, लेकिन इसने पैसे नहीं दिए तो मैं अपना बिजनेस करने चली गई। आपको चाहिए तो आप उस क्लाइंट से पूछ लो जिसको मैंने उस रात चूना लगाया था। तुम दोनों कहानियां बहुत अच्छी सुनाते, अब इल्जाम एक दूसरे के सर पर डाल रहे हो। उत्तम मैडम जब तक ये दोनों सच ना बोले दोनों को अंदर लेके फोड़ते रहो। सर
पहली नजर में ये केस बिल्कुल ही ओपन एंड शट केस लग रहा था। डिम्पी और कार्तिक ने पैसों के लिए नेहा को किडनैप किया, कार्तिक ने उसका बलात्कार किया और फिर पैसे मिल जाने के बाद दोनों ने मिलकर या फिर सिर्फ कार्तिक ने नेहा की जान ले ली। डिम्पी ने जिस क्लाइंट की ठगी की बात की, पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो वो बिल्कुल ही मुकर गया और बोला कि हत्या वाली रात वो डिम्पी से मिला ही नहीं था। पुलिस को पक्के तौर पर लग रहा था कि डिम्पी झूठ बोल रही है। पुलिस के पास दो प्राइम सस्पेक्ट थे और उन्हें पूरा भरोसा था कि उन दोनों में से एक ही नेहा का खूनी है। लेकिन नेहा की कहानी खुलने के साथ अभी कुछ ऐसी परतें खुलनी बाकी थी जिससे ये केस पूरी तरह से उलझने वाला था। नेहा ने उस दिन फोन किया था मुझे। हेलो मयूरी, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं अपने घर के बाहर हूँ, घर के अंदर जाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है, बाबा मुझे जान से मार देंगे, तो प्लीज मेरे पास आ जा अभी। नेहा ने वेस्टर्न ड्रेस पहनी हुई थी और उसे बहुत डर लग रहा था कि इस हाल में अगर वो घर जाएगी तो उसके पापा उसे जान से मार देंगे, उन्हें लगेगा कि उसकी किडनैपिंग और उसका रेप उसकी खुद की वजह से हुआ है। सर उसके पापा बहुत गुस्से वाले हैं। ऐसा क्या कहते थे वो? अरे नेहा लेट हो रहा है यार, जल्दी कर। हाँ आई, तू बिना 5 मिनट रुक नहीं सकती। आई मैं ये से। नेहा, ये क्या है, ये क्या बेशर्मी है? ऐसा टैटू होने से तो अच्छा है मैं तेरा हाथ ही जला दूं। चल अंदर, पापा नहीं। चल आई, चल चल, हाथ तो तुझे छोड़ूंगा ना मैं। चल चल, अरे अरे नहीं, नहीं, अरे जवान लड़की है, शादी भी होनी है इसकी अभी। नेहा मरी तो अभी है लेकिन उसके पापा ने उसे कभी जीने ही नहीं दिया। क्या तुम्हें पता था नेहा प्रेग्नेंट थी? उसके बॉयफ्रेंड का नाम क्या है? मैम वो नहीं पता, और मैंने उससे बहुत बार पूछा भी पर वो हमेशा टाल देती थी। तुम्हें पता है वो किस डॉक्टर के पास जाती थी? डॉक्टर कदम। मैडम, ओ खूबसूरत वाली मैडम, सुनो ना, बात करनी है, आओ तो। मैडम मैडम सुनो ना, दिल बहुत घबरा रहा है, दुख दुखी सी हो रही है, समझ रहे हो? एक सुट्टा लगाने दो ना। सुट्टा तो हम तुझे लगाएंगे और गिनेंगे भी नहीं। अरे यार बात जाने दो इसे, कि जमानत हो गई, तुम्हारी जमानत हो गई है, लेकिन जब तक ये केस चल रहा है शहर से बाहर मत जाना। अरे सर सुबह शाम हाजिर हो जाऊंगी, आप इशारा तो करो। वकील साहब आप ही तो मेरी नैया के खिवैया हो। हाँ सर, आई थी नेहा मेरे पास यहाँ। तो फिर आपने नेहा की प्रेगनेंसी के बारे में उसके घर वालों को बताया? एक्चुअली सर नेहा ने मना किया था, लेकिन फिर भी मैंने उसके पापा को बता दिया था। नहीं, मैं वहां नहीं बैठूंगा, ये मेरी बेटी नहीं है, वो मेरी नेहा नहीं है, मेरी बेटी जिंदा है, मेरी नेहा जिंदा है। तो आपको ये यकीन है कि वो आपकी बेटी नेहा नहीं? वो मेरी बेटी नहीं थी। क्यों? मेरी बेटी ऐसे कपड़े नहीं पहनती। फिर तो आपको ये भी पता नहीं होगा कि वो प्रेग्नेंट थी। नहीं, वो मेरी बेटी नहीं थी, मेरी बेटी ऐसी नीच हरकत नहीं कर सकती थी। वो आपकी बेटी ही थी और ये बात आप भी जानते थे। आप ये जानते थे कि उसके हाथ पर टैटू है, आप ये भी जानते थे कि वो प्रेग्नेंट है, और आपके हिसाब से उसका प्रेग्नेंट होना एक नीच हरकत थी, और इस नीच हरकत के लिए आपने अपनी ही बेटी का मर्डर कर दिया। ये आप क्या कह रहे हैं? सच, और इस सच का सबूत भी है हमारे पास, आप खुद मानेंगे या आपसे मनवाया जाए। हाँ मुझे पता था, लेकिन मैं क्या करता, मेरा मन तो अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि मेरी बेटी ऐसा कुछ कर सकती है। तो आपकी बेटी ही थी। मयूरी के कहने पर और उसकी कॉल लोकेशन से ये पता चलता है कि नेहा उस रात घर से बाहर थी। हो सकता है वो घर पर आई हो, आपको गुस्सा आया हो और गुस्से में आपने उसे मार दिया। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बिल्कुल ऐसे ही किया। उस दिन बैंक से आपने 15 लाख रुपए निकाले थे,
जिसमें से 12 लाख अपने किडनैपर को दिए और बाकी के 3 लाख क्या किया उसका? वो खर्च हो गए, लेकिन मेरा यकीन मानिए, मैंने अपनी बेटी को नहीं मारा है। ऐसा है कि जब बच्चों के साथ कुछ बुरा होता है तो वो सहारे के लिए अपने माँ बाप के पास जाता है, लेकिन अगर एक बाप अपनी बेटी का मर्डर करता है तो बुरा होने पर बच्चे किसके पास जाएंगे? ये देखिए सर, आदमियों को लूटते लूटते ये तो एटीएम लूटने चली गई। हिम्मत है इस लड़की में? गलत काम करने के लिए हिम्मत नहीं लगती, सही काम करने के लिए, सच के साथ खड़े होने के लिए हिम्मत लगती है। सर, नेहा के कॉल रिकॉर्ड में जितने भी नंबर थे मैंने सभी पे बात की। नेहा ज्यादातर लोगों से नॉर्मली बात करती थी, लेकिन सर उसके फोन रिकॉर्ड में एक ऐसा नंबर है जो 2 हफ्तों से बंद है। 2 हफ्ते पहले नेहा और उस नंबर पे बहुत ज्यादा बातें हुई। इसका नंबर किसी अमन शिंदे के नाम रजिस्टर्ड है। उसका एड्रेस निकलो। सर उसके मुंबई वाले एड्रेस पे मैंने पता किया है, 2 हफ्ते से वो घर नहीं आया, पुणे का रहने वाला है। हाँ सर, ये सच है कि मैं नेहा से प्यार करता हूँ। करता हूँ नहीं, करता था। नेहा मर चुकी है। ये क्या कह रही हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है सर? सिंपल है, नेहा ने तुम्हें ये बताया कि नेहा तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट है। तुम्हें ये सब कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए था लाइफ में, और इसलिए तुमने नेहा का मर्डर कर दिया है ना? सर, मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि नेहा के साथ ऐसा। सर ये सच है कि उसने मुझे बताया था कि वो प्रेग्नेंट है। नेहा, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। अमन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर बाबा को पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे जान से मार देंगे। कुछ नहीं होगा, मैं खुद तेरे बाबा से बात करूंगा, ठीक है, हमारी शादी के लिए। तो नेहा से शादी का वादा करके तुम भाग गए, और ऐसे भागे कि अपना फोन भी बंद कर दिया। सर, मैं भागा नहीं था। मेरी आई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं चला गया था। और जाने से पहले मैंने बहुत लोगों से पैसे उधार ले रखे थे, उनकी बार बार कॉल आ रही थी, इसलिए मैंने फ़ोन बंद कर रखा था। सच तो ये है कि जब तुम्हें पता चला नेहा प्रेग्नेंट है, तुम उसे छोड़कर भाग गए। फिर तुम्हें ये पता चला कि नेहा डेटिंग साइट पर किसी और के साथ चैट कर रही, और गुस्से में आकर मौका देखकर तुमने नेहा का खून कर दिया। मेरी नेहा कभी किसी डेटिंग ऐप पर जा ही नहीं सकती थी, ये सब उस मयूरी के काम है। हमेशा बहन जी बोलते उसे ब्रेन वॉश करती थी। इनफैक्ट वो तो मुझे हमेशा मुझे कॉल करती रहती थी, कहती थी कि मैं तुमसे प्यार करती। लेकिन सर, मैंने नेहा के अलावा कभी किसी और की तरफ आंख उठाकर देखा भी नहीं। सर, अमन का कहना सही था। सर, जिस आईपी एड्रेस से नेहा का डेटिंग अकाउंट एक्टिव था, सर वो आईपी एड्रेस मयूरी के नाम रजिस्टर्ड है। और सर, मयूरी के फोन रिकॉर्ड से ये पता चला है कि मयूरी बार बार अमन को फोन करती थी। इतना ही नहीं सर, उसकी लोकेशन के हिसाब से ये पता चला है कि जिस दिन नेहा का मर्डर हुआ, उस दिन उसके फोन की लोकेशन नेहा के घर के आसपास थी। हाँ, मैं उसकी डेटिंग प्रोफाइल हैंडल करती थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि वो लाइफ में थोड़ा फन करे और किसी लूजर के लिए अपनी लाइफ बर्बाद ना करे। नहीं, तुम ये चाहती थी कि नेहा की सेटिंग किसी और के साथ हो जाए, क्योंकि तुम खुद अमन से प्यार करती थी। नहीं सर,
ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है? नेहा एक ट्रेडिशनल फैमिली की लड़की थी, लेकिन तुमने उसे बहन जी करके मॉडर्न बनना सिखाया, उसे मॉडर्न कपड़े पहनना सिखाया, डेटिंग साइट पर तुमने उसे रजिस्टर किया। तुम हमें ये बताती रही कि तुम ये नहीं जानती थी कि नेहा किसके साथ डेट कर रही है, जबकि सच्चाई ये है कि तुम बिल्कुल जानती थी। हाँ सर, आप सच कह रहे हैं। नेहा जो थी मेरी वजह से थी। मैंने उसे मॉडर्न बनाया, उसे अच्छे कपड़े पहनना सिखाया, उसे स्मार्ट बनाया, तो फिर अमन उससे प्यार कैसे कर सकता था? उसे तो मुझसे प्यार करना चाहिए था ना। बस इसी बात की जलन हुई तुम्हें और तुमने मार दिया नेहा को। उस दिन नेहा ने तुमसे मदद मांगी थी, मदद करने के बहाने तुम उसके घर के पास गई, उसे अपने साथ ले जाकर उसको मार दिया। नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैं उसके घर गई जरूर थी, पर वो वहां थी ही नहीं और मुझे लगा कि वो अपने घर चली गई है। उसके पापा की वजह से मैं उसके घर नहीं जाना चाहती थी। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी इस कहानी पर यकीन कर सकूं, लेकिन मुझे इतना सा भी यकीन नहीं। गुप्ता मैडम, आप अपने तरीके से पूछताछ कीजिए और ये भूल कर पूछताछ कीजिए कि ये लड़की है, तो लाफे मारिए इसको। सर, पर मैंने कुछ नहीं किया है। एक मिनट सर। सर, नेहा के बाबा के कॉल डिटेल्स में किसी स्ट्री शीटर का नंबर, जिस दिन नेहा गायब हुई उसने उसे 4 बार फोन किया था और नेहा के गायब होने के दिन से ये दोनों टच में। साहब, वो नेहा के बाप ने मुझे 3 लाख रुपए दिए और कहा कि जब नेहा आ जाएगी आज रात को घर पे आना, वही बताऊंगा कि क्या करना है। हाँ, मैंने उसे पैसे दिए थे, लेकिन मेरी बेटी को मरवाने के लिए नहीं, बल्कि उस लड़के को मरवाने के लिए जिसने मेरी बेटी को प्रेग्नेंट किया था। पुलिस के पास अब सिर्फ 2 नहीं बल्कि कई सस्पेक्ट थे, डिम्पी, कार्तिक, सुनील, मयूरी और अमन, लेकिन इनमें से असली मुजरिम कौन था ये पता नहीं लगाया जा सका था। इन सब के पास हत्या करने का मोटिव था, लेकिन पुलिस के पास इस बात को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं थे। लेकिन अभी इस केस में कुछ ऐसे मोड़ आने बाकी थे जिसकी वजह से इस केस की गिनती साल 2019 के ऐसे चुनिंदा केसेस में की जाती है जिसने अपराधी का एक अलग ही चेहरा दुनिया को दिखाया। अभी तो कैमरा देखते हो तो मन करता है कैमरा तोड़ दूं। हाँ, मैं आदमियों को लड़की देने के बहाने बुला के उनसे पैसे लेती थी, पर ये फ्रॉड है, समाज सेवा है ना। आपको ठगी लगती है, आपको तो लगेगी आप तो मर दो। तो क्या ये बात सच है कि आपने ATM लूटा था? लूटा नहीं, लूटने की कोशिश की थी, लेकिन लूट लेती तो सही था ना, मेरे को पैसे मिल जाते और आपको बड़ी न्यूज़ मिल जाती। आप ऐसा क्यों करती हो? दिल्ली में माँ बाप हमेशा डांटते रहते थे, ये मत करो वो मत करो, तो मैं भाग के आ गई घर से। तब जो दिल करता है वो करती हूँ। घर से तो भाग गई थी, लेकिन जेल से कैसे भागोगी? सर, आपने उस लड़की का वीडियो देखा? कैसी लड़की है, क्या परवरिश मिली है उसे। असस हो दो मैडम, बिगड़ते बच्चे हैं और गाली परवरिश को मिलती है। एनीवे, केस में कोई इम्प्रूवमेंट? कुछ खास नहीं, फ्यू सस्पेक्ट्स है लेकिन कुछ ठोस सबूत नहीं। सर, मुझे तो कार्तिक के ऊपर ही शक है। कार्तिक का DNA नेहा के ऊपर मिले सीमेन से मैच करता है। हाँ, लेकिन रेप करने की बात तो वो खुद भी कबूल कर रहा है। सर, इसके कहने पे मैंने उसका रेप किया था सर। लेकिन मर्डर के टाइम तो कार्तिक जयपुर की ट्रेन में था। कार्तिक, क्या हुआ? एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो जयपुर गया ही नहीं। मर्डर के टाइम उसने अपना फोन किसी और के हाथ भिजवा दिया हो और खुद बाद में जयपुर चला गया हो। लेकिन डिम्पी जिस आदमी की बात कह रही है, आपको चाहिए तो आप उस क्लाइंट से पूछ लो जिसको मैंने उस रात चूना लगाया था। वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि उसे किसी लड़की के नाम पे बुलाया था। हो सकता है वो झूठ बोल या फिर सच भी। मयूरी नेहा के घर के आसपास थी और मयूरी के पास सॉलिड मोटिव था। लेकिन मोटिव तो अमन के पास भी था। नेहा उस दिन अपने घर के पास आई, वहां से उसे कोई ले गया, उसका मर्डर किया, उसकी बॉडी को एक सूटकेस में भरा और उसके घर से 4 किलोमीटर दूर जंगल एरिया में उसकी बॉडी को फेंकवा दिया। अब जिसने भी ये किया है वो चलकर तो वो लाश 4 किलोमीटर दूर नहीं ले गया होगा, उसने ज़रूर किसी व्हीकल का इस्तेमाल किया होगा। और अपने जितने भी सस्पेक्ट्स, टिम्पी, मयूरी, सुनील, कार्तिक और अमन, इनमें से किसी के भी पास गाड़ी नहीं। हो सकता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया हो। एक काम करना सिरके, ये जितने भी प्राइम सस्पेक्ट्स हैं उन सब के घर के बाहर जितने CCTV कैमरास हैं उन सब की फुटेज निकलवाओ पिछले 1 हफ्ते की। सर, सर, सभी सस्पेक्ट के घर के बाहर की CCTV फुटेज आ गई। लेकिन डिम्पी के घर के बाहर के CCTV कैमरे में प्रॉब्लम है, पिक्चर क्वालिटी साफ नहीं है सर।
सर सुनील के घर के बाहर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, बाकी के लोगों घर के बाहर था या वहाँ की फुटेज है। पिछले 7 दिनों से सभी सस्पेक्ट ऑटो का इस्तेमाल कर रहा है। ये देखिए सर, जिस दिन नेहा का मर्डर हुआ उस दिन डिम्पी ने भी ऑटो लिया, यहाँ तक कि कार्तिक और मयूरी ने भी। मयूरी ये कह सकती है कि वो ऑटो से नेहा को ही मिलने गई थी, डिम्पी अपने किसी क्लाइंट से और कार्तिक स्टेशन। ये सभी के सभी अपने डिफेंस में ऐसा कुछ कह सकते हैं, हमें कोई और पुख्ता सबूत चाहिए। सीसीटीवी में इनमें से कोई वो बैग ले जाता हुआ भी नहीं दिख रहा जिसमें बॉडी मिली थी। एक हफ्ता एक ही ऑटो। तू गया था उस दिन वहां? हाँ मैडम। कौन था तुम्हारी ऑटो में? तुम्हें वो ऑटो वाला याद है जिसे तुमने मंथली किराया देकर रखा? तुम जहां भी जाती हो उसी की ऑटो से जाती हो। लड़कियां सप्लाई करने के नाम पर जब तुम लोगों को उल्लू बनाती हो तभी भी वही ऑटो यूज करती हो, जब तुम एटीएम लूटने जाती हो तभी भी वही ऑटो यूज करती हो, और नेहा के मर्डर के बाद जब तुमने उसकी बॉडी को ठिकाने लगाया तब भी तुमने वही ऑटो यूज किया। तुम्हें यहां बुलाने से पहले उस ऑटो वाले को बहुत तोड़ा और उसने सब कुछ बोल दिया, तो अब तुम भी बोल दो। वैसे भी बड़बड़ करने का बहुत शौक है। मैं नेहा को मारना नहीं चाहती थी, वो तो कार्तिक डर गया था। वो बोल रहा था कि पुलिस उसे कुत्ते की तरह मारेगी। उसने मुझे ऑफर भी किया कि उसके हिस्से के 6.5 लाख मैं रख लूं, लेकिन नेहा को रास्ते से हटा दूं। और डिम्पी का सिर्फ एक भगवान है, पैसा। मुझे नेहा को किसी भी कीमत पर मारना था। नेहा की किस्मत खराब थी कि मुझे घर के बाहर ही मिल गई। ओए, यहाँ क्यों खड़ी है? फिर से किडनैप होने का इरादा है क्या? नहीं, मैं इन कपड़ों में घर नहीं जा सकती। किस्मत अच्छी है आज तेरी, शूटिंग के कपड़े रखे हैं मेरे, जा उसमें से उठा ले। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, खुद एक लड़की होकर दूसरी लड़की का रेप करवाया तुमने। तुम जानती हो रेप क्या होता है? कोई मजाक नहीं, कोई खेल नहीं, कोई हाथ भी लगाता है ना तो घिन आती है। लेकिन पैसों के लिए तुम वहीं पर नहीं रुकी, तुमने खून भी करवाया। शर्म आती है तुम पर डिम्पी शर्मा। इस केस को मीडिया में बहुत उछाला गया, कैसे कोई अपनी दोहरी जिंदगी की वजह से मौत के साए में सो गया, कैसे आज हम इंटरनेट पर धड़ल्ले से दोस्त बनाते हैं, और कैसे कुछ लोगों को अपनी इस दोस्ती का बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ा। अगर इस केस को हम एक लाइन में समेटने की कोशिश करेंगे तो शायद यही कहेंगे, कुछ फूल डाली से बिछड़ गए, कुछ पैरों तले रौंदे गए, तो कुछ गलत राह पर चले गए। शायद नेहा के साथ ये सब होता ही नहीं अगर वो ऐसी दोहरी जिंदगी ना जीती, अगर उसके पिता सुनील उसे दुनिया से बचाने के लिए उस पर अनुशासन का पहरा लगाने की बजाय उसे एक दोस्त की तरह से प्यार से समझाने की कोशिश करते। शायद मयूरी को अपनी ही बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड से प्यार की उम्मीद लगाने की जरूरत नहीं पड़ती अगर उसके पिता वक्त निकाल कर उसे समझ सकते, समझा सकते। और शायद डिम्पी के हाथों इतना बड़ा पाप नहीं होता अगर उसके माता पिता उसे प्यार से सही रास्ते पर लाने की कोशिश करते। हमारा बचपन, हमारी परवरिश हमारे आने वाले कल को तराशते हैं। आज दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, बच्चे, लड़के, लड़कियां सब बदल रहे हैं, और ऐसे में माता पिता उन्हें पुरानी धारणाओं में जकड़ कर नहीं रख सकते। उन्हें भी बदलना होगा, उन्हें दोस्ती करनी होगी अपने बच्चों से, अपने बच्चों को उन्हें सही और गलत का फर्क करना सिखाना होगा, डांट कर नहीं, प्यार से। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।